इटावा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के भरथना थाना क्षेत्र का है, जहां सपा नेता सरतार की आधा दर्जन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल है। सपा नेता घर से टहलने के लिए निकले हुए थे, तभी हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 2019 से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके चलते हत्या की गई है। वही मृतक के बेटे का आरोप है कि एसडीएम ने मोटी रकम लेकर मामले को दबा दिया। नरेश यादव, उनके भाई कमलेश यादव, विपिन यादव उनका बेटा, नरेश यादव का बेटा कल्लू, दूसरा बेटा पस्सा, ये सारे षड्यंत्र में शामिल हैं। एसडीएम सिद्धार्थ गौतम ये भी शामिल हैं इसमें। मेरे पापा अपने हैंड राइटिंग से लिखे गए हैं ये सब चीज। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं बालूगंज मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति सरताज सिंह को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल भरथना पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले उनके परिजन उन्हें लेकर वहां, ये बताया गया कि यहां पे एक डॉक्टर मनोज का हॉस्पिटल है, वहां लेके आए। वहां जैसे ही जानकारी की गई तो वहां से शायद रेफ़र कर दिया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे ही ये पहुंचे तो इन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। अभी कोई लिखित FIR नहीं आई है। परिजनों ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जिनके यहाँ पुलिस ने दबिश भेज दी है। बाकी जैसे ही FIR आती है, स्पष्टता आएगी, तो उसके हिसाब से जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश हो रही है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट।